हमने कोई मतलब डिसाइड भी कर लिया कि हम अब से अलग अलग रहेंगे। तो मतलब आपको भी पता है हमारी जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी शादी हुई है, तो ऐसे लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ जो नोक जोक होते रहता है हम दोनों के बीच में। तो भाई इंस्टाग्राम पे आप वीडियो देखते होंगे और सोचते होंगे बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, ये वो वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके साथ इसलिए बात शेयर करती थी क्योंकि कल वो रागवी अपने घर चली गई थी। तो गाइस आज का व्लॉग थोड़ा सा ना आपको एक, अब मैंने थोड़े पिछले व्लॉग में बोला था इम्पोर्टेंट बात बतानी है आपको, अब तो आज मैं के व्लॉग में आपको वो इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो बड़े टाइम से मतलब कि आपके साथ शेयर करना चाहता था कि आपके साथ ना इम्पोर्टेंट बात, मैं चलो अच्छे से शेयर करता हूँ भाई अच्छे से लगा के, बाकी आपको बाद बताता एक सेकेंड को। गाइस मैंने कैमरा फिट कर दिया, अब आपके साथ जो इम्पोर्टेंट बात वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी मैं नहीं चाहता था कि भाई ये सोशल मीडिया पे आए या वीडियो वगैरह पे आए, और आपको पता है कि मैं पहले कितने ज़्यादा व्लॉग्स बनाता था, डेली बनाता था, सीरियस रहता था भाई इस चीज़ को लेके। बट आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे कि भाई कितने दिनों के बाद व्लॉग आ रहा था। भाई फर्स्ट रीज़न था कि भाई हमने शॉप खोली थी, हम थोड़ा सा उसमें बिजी रहते थे, और सेकेंड रीज़न बहुत ही मतलब कि ऐसा आप लोगों को लगता नहीं होगा बट ऐसा है भाई, ठीक है, आपके साथ आज मैं क्लियरली शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं व्लॉग भी अकेला शूट कर रहा हूँ क्योंकि वो नहीं चाहती थी, रागवी नहीं चाहती, सीधी बात बताती हूँ, रागवी नहीं चाहती थी कि आपके साथ ये बात शेयर हो। बट मैं भी कब तक ही मतलब ऐसे रहूँगा मुझे नहीं लग रहा था कि सही, मैं सोचा चलो आपने ही यहाँ तक पहुँचाया तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ ये बात। तो भाई पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि भाई जो हम वीडियोस वगैरह व्लॉग्स वगैरह, व्लॉग तो बनाते ही नहीं है, वीडियोस वगैरह में जो हम दिखते हैं वैसे है नहीं है भाई, ठीक है, हम दोनों की बात कर रहा हूँ मेरी और रागवी की। तो मतलब आपको भी पता है हमारी जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी शादी हुई है, हमें कोई एक डेढ़ साल ही था रिलेशन को, और हमारी एज भी अभी छोटी है, जैसे मेरी अभी 24 पहुँची है, उसकी भी 24, ऐसे मतलब आपको भी पता है कि इस एज हो जाती, कोई कोई लोग शादी कर लेते हैं पर किसी किसी का होता ना मतलब कि अंडरस्टैंडिंग वगैरह, मतलब अभी हम थोड़े से बच्चे टाइप थे, मतलब हमारा दिमाग थोड़ा बच्चों टाइप का अभी, तो हम ना वही एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं बड़े टाइम से, हम थोड़ा सा मतलब जो उसको पसंद होता है वो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा होता है वो उसको पसंद नहीं आता, मतलब ऐसे लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ जो नोक जोक होते रहता हम दोनों के बीच में। तो भाई फिर हमने ना मतलब कि थोड़े दिन पहले ही, मतलब अभी हमने ये कभी कहीं पे भी मतलब डाला नहीं है इंस्टाग्राम, हम इंस्टाग्राम पे आप वीडियो देखते होंगे और वो सोचते होंगे बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, ये वो वगैरह, बट ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सच्ची आपके साथ बात शेयर कर रहा हूँ लिटरली। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके साथ ये बात शेयर करने का मन तो नहीं है बट मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये बात पहुँचे कि आपको हम धोखा ना दें, मतलब ऐसी वीडियो जो हम डालते हैं आपको लग रहा होगा, तो हम टोटली चेंज हो चुके हैं, ठीक है, हम एक दूसरे से अलग, अभी तो हमने कोई मतलब डिसाइड भी कर लिया कि हम अब से अलग अलग रहेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से अलग जैसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना है कि हम अलग रहेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, मतलब रागवी अपने घर रहेगी जैसे हम पहले रहते थे, मतलब शादी से पहले जैसे लोग रहते हैं, रागवी अपने घर रहेगी, मैं अपने घर रहूँगा, हम दोनों अब से अलग अलग हो गए हैं। और आज मैंने आपके साथ इसलिए बात शेयर कर दी क्योंकि कल वो रागवी अपने घर चली गई थी और मैं अपने घर पर, मतलब हम सेपरेटेड हो गए, सीधी सी बात है, हम सेपरेटेड हो गए हैं, वो अपने घर और मैं अपने घर, और ये इसका रीज़न बस यही है कि हमने बहुत जल्दबाजी में शादी करी है और बहुत जल्दबाजी में सब कुछ डिसीज़न ले लिए थे, तो डैट्स वाई मतलब मैं नहीं चाहता कि और ऐसे रह जाए क्योंकि ना उसको, मतलब हमारी लड़ाइयाँ जो नोक जोक जो होती है बातें रहते होती रहती हैं, जहाँ मैंने जाना है, जैसे आपको पता है कि अभी मेरी एज ही क्या है, 23-24 एज है, अब मुझे घूमना फिरना था दोस्तों के साथ, मतलब इन्जॉय वगैरह करना था, और आपको भी पता शादी के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, ठीक है, वो चीज़ें बिल्कुल नहीं हो पा रही थी, ना जाने दे, मतलब वो तो मना नहीं करती थी पर खुद भी अच्छा नहीं लगता था, तो दैट्स वाई मतलब कि फिर हमने डिसाइड कर लिया कि भाई सेपरेट। तो अभी मैं आपसे ये बात शेयर करना है आज की वीडियो में, मतलब कोई वीडियो कुछ ऐसा वैसा नहीं है, बस आपके साथ ये बता रहा हूँ कि हम सेपरेट हो चुके हैं, और आज के बाद मतलब आप अब तो आपको रील भी नहीं दिखेगी, जब ये ब्लॉग अपलोड होगा उसके बाद आपको रील वगैरह भी हमारी एक साथ नहीं दिखेंगी, बुरा लगता है बट अब ये नहीं है कि कहाँ जा रही थी, मेरे आंसू आने वाले थे यार।
चप्पल मार दी यार, जो भी है यार, अब मेरा आंसू आने वाले थे। तो गाइस आपके साथ हो गया ये प्रैंक। गाइस इतना झूठ कोई कैसे बोल सकता है? आंसू निकाल के ये कहाँ छुपी हुई थी? शुभ्रा में से फिर से छुपना एक बारी। ये बिल्कुल ऐसे इनकी छुपी हुई थी और बातें सुन रही थी। और मैं जब मैं व्लॉग बना रहा था ना, कभी जूती दिखा रही थी, कभी वो थी ऐसे कर रही थी, मेरे को हंसी आ रही थी, पर मैंने कंट्रोल किया क्योंकि आई एम एक्टर। और देखो मेरी आंखों में आंसू भी अभी आने ही वाले थे, मैं निकालने ही वाला था, बट इसने जूती मार दी क्योंकि मैंने वो बात कही ना, क्योंकि अभी मैंने दोस्तों के साथ घूमना था, फिरना था, जाना था, तो ये जाने नहीं देती वैसे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी पता कि भाई मैं कितना घूमता हूँ, कितना आगे पीछे जाता हूँ, मतलब। और जो आप लोग देखते हो वो बिल्कुल सही है भाई, ऐसे कोई भी नहीं होता कि भाई वीडियो में कुछ हो रहा है ऐसे रियल लाइफ में कुछ हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम जैसे वीडियोस में है वैसे रियल लाइफ में है, और हम दोनों बहुत खुश है और हमने कोई जल्दबाजी नहीं की है। 2.5 साल के बाद और आपसे आएंगे डेली व्लॉग्स एंड मतलब मनोरंजन के साथ। आपका मतलब आप लोग डेली अब बोर नहीं होंगे क्योंकि आपका भाई आ चुका है वापस यूट्यूब पे रेगुलर व्लॉग डालने के लिए। और आप लोग देख रहे होंगे भाई ये गाड़ी लाल लाल शत ब्लैक, ये किसकी है भाई? ये भाई अपनी ही गाड़ी है, थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की सोचा था, बट मुझे नहीं लग रहा कि ये कवर सही लग रहे हैं, बट ऐसा मुझे नहीं लग रहा, मतलब बाकी मुझे कई कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे, बट आप लोग सुनिए तो आप लोग बताओ कमेंट करके। गाइस ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा रात को अच्छे लगते हैं, सुबह नहीं अच्छे लगते। अच्छा सुबह रात को लाइट बजती है, सुबह तो गाइस इन शॉर्ट आपके साथ हो चुका है प्रैंक। जैसे कि आपको पता है मैं प्रैंक करके ही यहाँ तक पहुंचा हूँ, और वीडियोस आपको पसंद आती है क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत अच्छी होती है। और स्टार्टअप देखा कितना सही हुआ ना, आओ लोग थोड़ा सा सोच रहे ये क्या हो गया यार, ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग सीधे लास्ट में देखा होगा, ये भी बात सही है। तो भाई जिसने लास्ट में जाके किसी से देखा वो स्टार्टिंग में जाओ, पीछे जाके देखो कितने से एक्टिंग करके मैंने आपको बताया है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई सच्ची में ये क्या हो गया भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं ही हो सकता है। तो इसलिए हमने आज आपके साथ प्रैंक वीडियो बनाई है, और ऐसे तो हम एक दूसरे पे करते रहते हैं, बट आज हमने आप पे किया है प्रैंक। और ये आइडिया इसने इन शॉर्ट मुझे थोड़ा सा बोला कि ना आज हम आप पे प्रैंक करते हैं, मतलब जो हमें देखते हैं उन पे प्रैंक करते हैं। फिर मैंने दिमाग लड़ाया गाइस, ना झूठ हो रहा है, झूठ हो रहा है गाइस, कि हम दोनों सेपरेट हो चुके हैं, पूरा व्लॉग मैंने बताया गाइस, ये भी आपके साथ प्रैंक कर रहे हैं। मैंने बताया भाई, ठीक है। तो गाइस आपने बड़ी चीजें मिस की होंगी, मतलब कि जैसे कि हम व्लॉग में, जैसे कि मैंने नया टैटू बनाया था व्लॉग में, ये भी नहीं बताया, इसने कोई नहीं बनाया, तो ये न्यू टैटू बनाया था। बाकी गाड़ी में मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा कराई हुई है, उसके बाद स्पीकर वगैरह डलवाए हैं, बेस ट्यूब वगैरह डलवाई है, छत और ये सिस्टम। चलो एक शॉर्ट में थोड़ा सा सुनाते हैं, पूरा ऐसे वाइब्रेट हो, मेरे बाल देखना गाइस, बस नेट खोलना। तो अभी आपको साउंड सिस्टम सुनाते हैं, ठीक है, गाड़ी का। और जो सीट कवर और छत जो मैंने आपको दिखाया वो आपको अगली वीडियो में, किसी वीडियो में दिखाऊंगा, तो फिर आप लोग देख लेना। अभी आपको साउंड सुनाते हैं, तो ये हमने कर दिया म्यूजिक सिस्टम ऑन, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस वाला अलग से लगा है। बाकी चलो फिर आज का व्लॉग यहीं एंड करते थे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।